हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल जेट टू वाई ट्यूटोरियल्स में। आज हमारा तीसरा लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और इसके कितने कंपोनेंट हैं उनके बारे में। तो आज हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट। It is defined as closed path या loop contains electrical components that allows flow of electrons through them। ये हुआ डेफिनेशन इलेक्ट्रिक सर्किट का। इट इज डिफाइंड एज अ क्लोज पाथ और लूप कॉन्टेन्स इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स दैट अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू देम। मतलब कि एक सर्किट है जिसमें क्या है, एक क्लोज पाथ है। क्लोज पाथ मतलब वो कंप्लीटली क्या होगा, बंद होगा, और उनके और उसके उस पाथ में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स होंगे जिसमें कि रेजिस्टेंस हो सकता है, बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, आप उसमें एमीटर भी लगा सकते हैं, आप वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करेंगे। तो हमारा अगला हेडिंग होगा हाउ टू, या फिर उसके पहले हम कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो हमारा अगला हेडिंग होगा सम कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये कंपोनेंट जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना हम अपना सर्किट डिजाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कंपोनेंट का नाम। कंपोनेंट, आप एक टेबल बना लीजिए कंपोनेंट, इसका सिंबल क्या है सिंबल, और फिर इसका यूज क्या है सर्किट में, यूज ऑफ कंपोनेंट। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा सेल। सर्किट में सेल का सिंबल अगर हम दिखाना चाहें तो ये है सिंबल सेल का, ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। इसका यूज क्या है, टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। कल हमने किया भी था कि पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो हमें चाहिए होता है सेल। सेकंड है आपका, अगर हम दो तीन सेल को कंबाइन कर दें तो वो बनाता है क्या, बैटरी, और इसको हम डिनोट करते हैं इस साइन से। ये आपका बैटरी का साइन है, यहाँ पे दो बैटरी, दो सेल जो है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। और इसका भी काम क्या है सर्किट में, तो ये भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में क्या करेगा, मदद करेगा। पॉइंट नंबर थ्री आप देंगे रेजिस्टर, इसको हम डिनोट करते हैं सर्किट में इस साइन से। इसका क्या काम है, टू फिक्स द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट इन अ
सर्किट, मींस कि ये क्या करता है, करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, मतलब कि रोकता है। पॉइंट नंबर फोर आपका है रियोस्टेट, या इसका एक और नाम है, हम इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर, इसका सिंबल सर्किट में कुछ इस तरीके से होता है, या तो आप इसको ऐसे दिखाएं या फिर ऐसे दिखाएं। इस दोनों सिंबल का हम यूज करते हैं, और इसका नाम है रियोस्टेट और दूसरा नाम है इसका वेरिएबल रेजिस्टर, मतलब कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो वेरी हम कर सकते हैं। इसका काम है यूज टू सेलेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट इन अ सर्किट। इन दोनों में डिफरेंस ये है, आपका रजिस्टर और रियोस्टेट में डिफरेंस ये है कि अगर आप रेजिस्टेंस का यूज करते हैं सर्किट में, तो एक बार जो वैल्यू असाइन कर दिया गया और जितना करंट वो पास करेगा थ्रू आउट वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर रियोस्टेट की बात करें तो ये हमें एक बैंड देता है, एक स्पेस देता है, जो कि हम जिसमें कि हम अपने रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, वैरी कर सकते हैं। और जब रेजिस्टेंस को वैरी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा करंट भी क्या होगा, वैरी होगा। पॉइंट नंबर फाइव अगर हम देखें, अगला हमारा कंपोनेंट जो हम सर्किट में यूज करते हैं वो है एमीटर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। इसका सर्किट में क्या यूज है, यूज टू मेजर करंट इन अ सर्किट। हमने पहले ही पढ़ा था कि एमीटर का यूज होता है सर्किट में करंट मेजर करने के लिए, और हम एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। कभी गलती से भी आप इसको पैरेलल में फिक्स नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर रिजल्ट जो है वो कुछ और भी आ सकता है। अगला हेडिंग दीजिए, नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, इसका सिंबल होता है, और इसका यूज सर्किट में क्या है, तो यूज टू मेजर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वोल्ट मीटर का सिंबल ये है, और इसका यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में। आप बोल सकते हैं आप वोल्टेज ड्रॉप मेजर कर सकते हैं, आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, तीनों एक ही चीज है, या आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस भी इससे मेजर कर सकते हैं। वोल्ट मीटर सर्किट में हमेशा जो है वो पैरेलल में लगाया जाता है, और इसका रेजिस्टेंस जो है वोल्ट मीटर का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और वैसे एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है। अगला कंपोनेंट है हमारा गैल्वेनोमीटर। इसको हम डिनोट करते हैं जी से। सर्किट में इसका यूज होता है टू इंडिकेट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, मींस कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करना है अगर हमें पता करना है, तो हमें सर्किट में क्या लगाना होगा, एक गैल्वेनोमीटर, जो बता देगा हमें कि एक जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगला है हमारा कंपोनेंट की, या फिर हम बोल सकते हैं स्विच। इसका दो तरह का सिंबल है, हम दोनों यहां पे देख लेते हैं, एक है ये, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये। इस दोनों का मतलब है कि जो स्विच है वो ऑफ है, मतलब ओपन है, हम इसको क्या बोल देते हैं, स्विच जो है वो ओपन है।
और दूसरा सिंबल है की का, वो ये है, या फिर हम बोल सकते हैं ये। इसका मतलब है कि स्विच जो है वो क्लोज है, मतलब कि हो सकता है कि सर्किट में करंट फ्लो इस टाइम पे हो रहा है। आप सर्किट में बैटरी लगा लो और अगर स्विच ओपन हो तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका स्विच का काम क्या है यहाँ पे? तो ये मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ सर्किट का काम करता है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ सर्किट। मतलब कि सर्किट को ओपन करना है या क्लोज करना है हम किसकी मदद से करते हैं, तो हम यहां पे उसके लिए स्विच का यूज करेंगे। ये कुछ कंपोनेंट्स थे जो हमने देखा और इसी का यूज करके हम सर्किट, बहुत सारे सर्किट का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब अगला हेडिंग दीजिए, सर्किट डायग्राम। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है सर्किट डिजाइन। इसको समझने के लिए हम सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो उससे बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सर्किट डिजाइन एग्जैक्टली में करते कैसे हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं हम। ड्रॉ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल, एक बैटरी लगा है, और रेजिस्टर, एक रेजिस्टर लगा है, एन एमीटर, एक एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है और एक स्विच है। तो हमें एक सर्किट डिजाइन करना है जिसमें कि एक सेल लगा है, एक रजिस्टर लगा है, एक एमीटर लगा है, एक वोल्ट मीटर लगा है और एक स्विच लगा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक सेल लगा लेते हैं। सेल का सिंबल आपको शायद याद हो, अभी हमने उसको डिस्कस किया है। ये रहा आपका सेल पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। और कनेक्टिंग वायर से हमने इसको यहां तक बढ़ा लिया और यहां पे हम एक रेजिस्टर लगाएंगे जिसका वैल्यू R है और यहां पे हम दे देते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस V। अब हमें कहा एक सेल हो गया हमारा, एक रेजिस्टर हो गया, अब बोला है एक एमीटर लगाइए। हम इसको यहां से एक्सटेंड करके और यहां पे एक एमीटर लगा देते हैं। फिर कहता है क्या, एक वोल्ट मीटर। अब यहां पे ध्यान देना है, एमीटर जो है वो सर्किट में हमेशा सीरीज में लगता है। सीरीज कहने का सिंपल सा मतलब अभी आप समझ लो कि जहां पे करंट के को चलने के लिए सिंपल एक रास्ता हो तो वो सब क्या होगा, सीरीज में होगा। अगर करंट के पास चलने के लिए सिंपल एक रास्ता हो तो वो सीरीज में होगा, और अगर दो रास्ते हो गए तो फिर वो दो कंपोनेंट जो होंगे वो पैरेलल में हो जाएंगे। अभी क्लियर हो जाएगा आपको आगे। वोल्ट मीटर को लगाना है हमें और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो हम इस रजिस्टर के एंड के अक्रॉस मेजर करेंगे। तो हमें अपना वोल्ट मीटर इसी रेजिस्टेंस के पैरेलल लगाना होगा। ये आपका वोल्ट मीटर भी सर्किट में लग गया। अब बचा क्या, और एक स्विच लगाना है। तो स्विच हम यहां भी लगा सकते हैं, ये आपका लग गया स्विच। अभी स्विच ओपन है, अगर हमने ये डॉट लगा दिया यहां पे तो अब ये स्विच क्लोज हो गया और सर्किट में करंट का फ्लो हो गया। अभी मैंने कहा था क्या कि एमीटर और वोल्ट मीटर कैसे पता करेंगे कब सीरीज में कब पैरेलल में, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां से करंट आई फ्लो किया होगा, करंट यहां आया होगा आई। अब देखना, मैंने कहा था अभी कि अगर करंट के पास चलने के लिए दो, एक से अधिक रास्ते हो तो वो क्या होता है, पैरेलल में होता है। हम जब यहां पे आते हैं तो हमें दिख रहा है कि यहां के बाद करंट के पास दो रास्ते हैं, एक तो वो सीधा इसमें आ सकता है और दूसरा वो इसमें भी जा सकता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, करंट का डिवीजन हो रहा है। तो जब करंट का डिवीजन होगा वो, या यहां पे ये दोनों कंपोनेंट क्या है, पैरेलल में है, और वोल्ट मीटर हमेशा कहां लगाया जाता है, पैरेलल में। ये क्लियर हो गया। फिर यहां से करंट कुछ चला होगा, आई यहां से चला, यहां पे आई वन इंटर किया और यहां पे आई टू इंटर किया, कुछ करंट तो इंटर किया ही होगा। फिर यहां से निकला 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 यहां आके और यहां से आई वन निकला, फिर यहां पे दोनों क्या हो गया, आके कंबाइन, क्या मिल गया मुझे यहां पे,
आई और फिर आई यहाँ से निकल गया। आप देखो यहाँ पे फिर से करंट के लिए एक रास्ते हैं, एक रास्ता ही है जो कि करंट निकलेगा, इंटर करेगा एमिटर में और फिर यहाँ से आउट हो जाएगा और फिर से बैटरी के निगेटिव के पास वो पहुँच जाएगा। ये रहा सर्किट डायग्राम कैसे डिज़ाइन करते हैं। अभी हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो हाउ थ्री फैंस कैन रोटेट फ्रॉम अ बैटरी सो दैट टू फैंस आर कंट्रोल्ड बाय द सेम स्विच व्हाइल द थर्ड फैन हैज इट्स ओन स्विच। कहने का मतलब है कि आप एक ऐसा सर्किट डायग्राम बनाइए जिसमें कि तीन फैन हो और उन तीन फैन में से जो दो फैन हो वो सिंगल स्विच से कंट्रोल होता हो और जो तीसरा फैन है उसका खुद का अपना स्विच हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या है, एक बैटरी है। तो सबसे पहले हम एक बैटरी लगा लेते हैं। अब बैटरी है तो कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही। अब यहाँ पे कह रहा है कि तीन पंखे हमें लगाने हैं और तीन पंखे में से दो पंखे का एक ही स्विच हो और तीसरे पंखे का अलग स्विच हो। पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ फिर मैं आपको बहुत अच्छे से इसको सब क्लियर कर दूंगा। चलिए ये रहा डायग्राम जो कि हमें चाहिए था। ये मैंने कैसे किया आप ध्यान से देखिए। इसको क्वेश्चन कह रहा था कि एक स्विच दो फैन को कंट्रोल करे और तीसरे फैन के लिए अपना खुद का एक अलग स्विच हो। अब देखिए यहाँ पे यहाँ आने के बाद मानते हैं कि यहाँ से करंट आई चला, यहाँ आने के बाद करंट के पास दो रास्ते, कुछ इसमें चला जाएगा और कुछ इसमें चला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है जब करंट इसमें जाएगा तो ये फैन भी ऑन हो जाएगा और यहाँ पे आने के बाद ये दोनों फैन भी क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। और यहाँ पे दोनों स्विच क्या है, ऑन कंडीशन में है, मतलब कि तीनों का तीनों फैन अभी कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, रन कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर हम क्या करते हैं कि इस स्विच को ओपन कर देते हैं, देखो ये स्विच क्या हो गया, अब ओपन हो गया। तो स्विच ओपन हो गया तो यहाँ पे तो सर्किट ब्रेक हो गया ना। अब करंट जो इसमें जा रहा था वो तो अब यहाँ नहीं आएगा। अब करंट यहाँ पे नहीं आएगा इसका मतलब कि ये दोनों फैन क्या हो गया, ऑफ। अभी भी ये फैन कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, रन कर रहा है। और अगर मुझे इस फैन को ऑफ करना था, अगर मुझे इस फैन को ऑफ करना है तो इस सर्किट को, इस स्विच को हमेशा क्लोज रखो और इसको ओपन कर दो। अब जो करंट इसके अंदर जा रहा था यहाँ तो क्लोज बना नहीं, सर्किट क्लोज हुआ नहीं, और जब सर्किट क्लोज होगा नहीं तो करंट इस फैन के पास पहुँचेगा नहीं, और जब पहुँचेगा नहीं तो ये फैन रोटेट नहीं करेगा। जो वो सर्किट डायग्राम है जिसको जिसकी मदद से आप ये बता सकते हैं कि किस कंडीशन में और कब कौन सा फैन ऑन रहेगा और कौन सा फैन ऑफ रहेगा। और इस तीनों फैन के लिए, इस दोनों फैन के लिए एक ये स्विच रहा और इस फैन के लिए ये सिंगल स्विच है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करेक्ट द गिवन सर्किट। आपके पास एक सर्किट गिवन है, आप इस सर्किट को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ गलती है। आप वीडियो को पॉज कर ले और एक मिनट का समय ले, उसको फटाक से बहुत जल्दी से इसको सॉल्व करें। चलिए हो गया आपका। अब देखिए पीछे का लेक्चर आप एक बार रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए, या फिर आपको याद होगा तो मैं फिर से बता देता हूँ कि एमिटर जो है वो कभी भी पैरेलल में नहीं लगता। तो पहले तो यहाँ पे गलती है, ये गलत जगह पे इसको मैंने फिक्स किया हुआ है। फिर देखिए ये वोल्ट मीटर सीरीज में दिख रहा है मुझे जबकि इसे पैरेलल में होना चाहिए था। क्लियर है? तो इस सर्किट को अगर मुझे रीड्रॉ करना होगा तो सर्किट को रीड्रॉ कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पे एक बल्ब है और मुझे वोल्टेज इस बल्ब के अक्रॉस अगर मेज़र करना है तो मुझे यहाँ पे वोल्टमीटर लगाना होगा, जो कि पिछले वाले सर्किट में सीरीज में दिख रहा था मुझे। ये वायर ही है जो कि आपको अप एंड डाउन मोड में दिख रहा है, इसमें कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये दूसरा बल्ब हमारा, और फिर यहाँ से डाउन कर दिया वायर को, नीचे की तरफ लेके आए और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक एमीटर। ये देखिए, ये हुआ सर्किट करेक्ट। ये वाले में यहाँ पे एमीटर नहीं होना चाहिए था और यहाँ पे वोल्ट मीटर नहीं होना चाहिए था। दोनों को रिप्लेस स्वैप कीजिए और जो सर्किट आएगा नया, ये आपका सर्किट जो है वो करेक्ट सर्किट है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने वोल्ट मीटर यहाँ पे ही क्यों लगाया, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया। मुझे क्वेश्चन में गिवन अगर होता कि मुझे इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करना है तो मैं इसी बल्ब के अक्रॉस ही वोल्ट मीटर लगाऊंगा, इस बल्ब के पास नहीं। अगर मुझे यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता अगर, तो मुझे यहाँ पे एक और वोल्ट मीटर लगाना होता, तो मुझे इस बल्ब के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता और इस बल्ब के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता। तो आप ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि आपको क्वेश्चन में जरूर गिवन होगा कि आपको किस कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। जिस कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की बात क्वेश्चन में होगी, आपको उसी कंपोनेंट के दो एंड के पास अपना वोल्ट मीटर फिक्स करना है और जो आउटपुट में आपको मिलेगा वो उस पार्टिकुलर कंपोनेंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम करेंगे ओम्स लॉ। अगर आपको ये सब कुछ क्लियर हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको फर्दर जो वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।